जय श्री कृष्ण आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव हो चुके हैं संजय है अजय है ललिता जी है दैट्स ग्रेट वेलकम टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स एंड आज हमारा ये ट्वेल्थ डे है कृष्ण कथा प्रोग्राम का जैसे आप सब जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे सुबह साढ़े आठ बजे बीस मिनट के लिए हम लाइव हो जाते हैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी से ऐसा क्या है जो हम अपने जीवन में इक्कीसवीं सदी में अपना सकते हैं और हमारी जिंदगी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और मैं देख सकता हूँ कि और भी ज़्यादा लाइव हो रहे हैं लोग अमिता गुड मॉर्निंग कह रहे हैं शहादत गुड मॉर्निंग कह रहे हैं एंड व्रजेश हमें जय श्री कृष्ण कह रहे हैं दैट्स ग्रेट गाइज अभी भी जो आज पहली बार देख रहे हैं मुझे उनसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे सोशल मीडिया के पेज को फॉलो कर लीजिए लाइक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आप हर दिन की ये कृष्ण कथा को एन्जॉय कर सके और इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि देखिए आप जब शेयर करते हैं और वॉच पार्टी ऑन कर देते हैं तो आप बहुत सारे लोगों तक इस पॉजिटिविटी को इस एनर्जी को पहुंचा देते हैं तो इतनी तो जिम्मेदारी और फर्ज आपका बनता ही है दोस्तों कल हम बातें कर रहे थे रोल प्ले थ्योरी की भगवान श्री कृष्ण किस तरह से अपने रोल को निभाते हैं और हमने समझा कि कैसे हम भी एक बहू का रोल एक हस्बैंड का रोल एक बेटे का रोल कैसे निभा सकते हैं और हमारे हर एक रिश्तों में खुश रह सकते हैं अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं is, कि भगवान जो है उन्हें मैं कहता हूं शून्य मतलब कि भगवान श्री कृष्ण शून्य के बराबर है अब देखिए नंबर्स आपने जितने भी देखे होंगे उस सारे नंबर्स में सिर्फ एक नंबर है जो पूर्ण है वो एक ही नंबर है जो कंप्लीट होता है और वो है जीरो यानी कि शून्य अब आप कहेंगे सर लेकिन हाँ नंबर एट भी तो पूर्ण है हाँ लेकिन वो भी तो दो शून्य का कॉम्बिनेशन है अब देखिए शून्य जो है यानी कि नंबर जीरो जो है वो कंप्लीट है वो पूर्ण है दोस्तों दूसरे कोई नंबर में आप ये फीचर नहीं देखने वाले हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कंपैरिजन में शून्य के साथ इसलिए करता हूं क्योंकि भगवान जो है वो संपूर्ण है पूर्ण है यानी कि अब देखिए इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक सुबह भगवान ने जब आंखें खोली तो दो लोग उन्हें मिलने के लिए आए हुए थे अब जब उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा तो अर्जुन बैठे हुए थे और जैसे ही अर्जुन को देखा तो वो थोड़े बैठे और कहते हैं कि अर्जुन तुम कब आए और साइड से एक आवाज आई जब वो कहते हैं मैं भी आया हूँ जब भगवान श्री कृष्ण ने मुड़कर के देखा तो दुर्योधन भी साथ आए हुए थे लेकिन अर्जुन उनके पैरों की ओर बैठे हुए थे और दुर्योधन उनके सिर की ओर बैठे हुए थे अब जैसे ही दुर्योधन ने कहा कि मैं भी आया हूं तो भगवान की जब नजर पड़ी तो कहते हैं अच्छा आप भी आए हैं, बताइए कैसे आना हुआ अब ये बात है जब कुरुक्षेत्र का महान युद्ध होने के लिए जा रहा था exactly उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण की मदद के लिए आए थे तो जब भगवान ने पूछा कि बताइए कैसे आना हुआ तब दुर्योधन कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि इतना महान युद्ध होने वाला है आप तो जानते हैं कि भाई इस महान युद्ध के दौरान कौन किसकी साइड लेगा वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो हम जानने के लिए आए हैं कि आप किन की ओर से लड़ने वाले हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं मैं तो लड़ने ही नहीं वाला मैं तो चाहता ही नहीं कि ये युद्ध हो और अगर ये युद्ध होगा तो मैं तो शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं अब जब भगवान ने यह कहा तो दुर्योधन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि अगर ये शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इनका इनको मांग कर मैं करूं क्या अब देखिए भगवान ने अपनी यहां पर शुरू कर दी है तो हुआ कुछ ऐसा भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पास दो चीजें हैं मेरे पास देने के लिए दो चीजें हैं एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं एक और बार मैं रिपीट करता हूं भगवान ने जिस तरह से कहा वो बहुत बड़ी बात थी आगे पता है दो दिन पहले हमने ईगो की बात कही थी कि ईगो लेस जीना कितना जरूरी है तो ये एग्जाम्पल देखिए भगवान कहते हैं कि भाई मेरे पास दो चीजें हैं देने के लिए एक मेरी नारायणी सेना और दूसरा मैं और जहां तक मेरा सवाल है मैं तो कुरुक्षेत्र पर शस्त्र उठाने वाला नहीं हूं अब जरा देखिए मजा दोस्तों जब भगवान ने नारायणी सेना को बहुत बड़ा बना लिया और अपने आप को छोटा बना लिया है तो अब हुआ कुछ ऐसा कि जब मांगने का मौका आया तो अर्जुन तो क्लियर थे अर्जुन को पता था कि भाई मुझे तो सिर्फ भगवान की जरूरत है मुझे और कोई नहीं चाहिए ना कोई सेना ना कोई शक्तियां लेकिन दुर्योधन जो थे वो सोच रहे थे कि भाई अगर वो शस्त्र नहीं उठाएंगे वो निहत्ते होंगे तो लड़ेंगे कैसे तो मैं उनका मांग कर करूं क्या तो देखिए मजा जब अर्जुन को मांगने का मौका मिला और जब उन्होंने तो कृष्ण को मांग लिया तब दुर्योधन और भी ज्यादा खुश हो गए वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है लेकिन वो जताते कुछ इस तरह से है कि भाई अर्जुन जो है वो मेरे अनुज है मुझसे छोटे हैं उम्र में तो ठीक है मैं उनको नाराज कैसे करूं अगर वो आपको चाहते हैं भले तो मैं नारायणी सेना रख लेता हूं और वो ये दिखाए कि भाई ठीक है मुझे जो मिला मैं वो रख लेता हूं लेकिन वो मन में बहुत ज्यादा खुश हुए थे कि अब मैं सबको जाके वापस बता दूंगा हस्तिनापुर में कि मैं नारायणी सेना लेकर आया और अर्जुन जो था वो कृष्ण को मांग बैठा अब मजा देखिए दुर्योधन को यह लगा कि यह शून्य है कृष्ण तो जीरो है क्योंकि वो लड़ने नहीं वाले शस्त्र नहीं उठाने वाले तो उसका कोई मतलब ही नहीं है लेकिन जब दुर्योधन वापस जाकर के हस्तनापुर में भरी सभा में सबके साथ शेयर किए कि भाई मैं तो नारायणी सेना मांग कर आया और वो दुर्यो अर्जुन जो था वो अर्जुन कृष्ण को मांग बैठा और तब दोस्तों मजेदार बात पता है किसी ने कुछ कहा तो नहीं लेकिन भीष्म पितामा जिनको को जब यह न्यूज मिले तो उनकी आंखों से बस एक आंसू क्योंकि उनको पता चल चुका था कि वो अब ये युद्ध हार चुके हैं क्योंकि भगवान के सामने जीतना संभव नहीं था बोल श्री कृष्ण कन्हैया न दोस्तों आपको पता है जब अर्जुन ने अब कृष्ण को मांगा है दुर्योधन जा चुके हैं तो भगवान ने उसका एक टेस्ट लिया परीक्षा ली पूछा कि अर्जुन जब तुम नारायणी सेना मांग सकते थे तो फिर तुमने मुझे क्यों मांग लिया ऐसी गलती कैसे कर ली और तब अर्जुन जवाब देते हैं भगवान आपको पता है युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है भले आप शस्त्र नहीं उठाएंगे भले आप लड़ेंगे नहीं मगर मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे सारथी बन जाए क्योंकि जब आप मेरे सारथी बनेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि युद्ध भूमि में मैं कहीं पर भटकने वाला नहीं हूं जब आप मेरे सारथी होंगे तो मुझे हमेशा भरोसा रहेगा कि मैं सही राह पर हूं सही रास्ते पर हूं मैं अपनी सारी चिंताओं को आपको सौंप सकता हूँ और सिर्फ अपना फोकस उस युद्ध पर कर सकता हूं दोस्तों यहां पर भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए इस विचार के साथ और साथ ही साथ पता है अर्जुन ने एक और बात कह दी वो कहते हैं कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए मुझे तो केवल नारायण चाहिए फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि क्रिएशन से ज्यादा पावरफुल है क्रिएटर तो जो नारायणी सेना एक बार बना सकते हैं, वो चाहे उतनी नारायणी सेना खुद वापस बना सकते हैं और जब अर्जुन को ये पता था तो उन्होंने कृष्ण को मांग लिया और अपने साथ ले लिया दोस्तों वैसे तो हाँ नंबर जीरो जो है उसके खुद की कोई वैल्यू नहीं होती और जैसे मैंने कहा कि कृष्ण जो है वो शून्य है लेकिन वो संपूर्ण है आपको पता है शून्य की भले खुद की कोई वैल्यू ना हो मगर वो शून्य को आप जिस भी नंबर के पीछे जोड़ देते हैं वो उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन का साथ दे दिया तो बस वहां पर अर्जुन की जीत निश्चित हो चुकी थी देखिए मैं आपसे वही कहना चाहता हूं कि अगर ईश्वर हमारे साथ हो कुदरत हमारे साथ हो तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं है अब इसीलिए आपने कहानी सुनी हुई है कि भी अगर भगवान आपकी नाव में बैठे हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तूफानों का सामना नहीं करेंगे मगर उसका मतलब ये जरूर होता है कि आपकी नाव कभी डूबेगी नहीं और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर दोस्तों कि आप जितना उन पर भरोसा रख सकते हैं और उनका साथ रख सकते हैं हमेशा रखिएगा क्योंकि जब वो आपके साथ होते हैं तो वो आपके पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं मैं सभी से कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपके लाइफ में जो हो रहा है उसे लेकर कभी भी भगवान को ना सवाल कीजिएगा ना शिकायत कीजिएगा बिकॉज हम एक ही टीम में है हम सभी को ये समझना जरूरी है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यू नो भगवान पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं क्यों मेरा नसीब और किस्मत खराब है ऐसा नहीं है हम एक ही टीम में हैं वो हमेशा हमारे साथ है और जितना ये एहसास हमारे साथ होगा ना दोस्तों उतना काम आसान होगा मैं तो कहूँ जब आज सुबह आप उठे हैं तो दिन की शुरुआत करने से पहले अपने ईश्वर को शुक्रगुजार हो जाइए कि उन्होंने आपको ये दिन देखने का मौका दिया है कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले यू नो अपने ईश्वर अपने भगवान को याद कर लीजिए कि वो आपको साथ दे जब आप इतना भी कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका साथ हमेशा से आपको मिलते रहेगा कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को कमेंट में लिखिए अग्री तो मुझे पता चले क्योंकि दोस्तों देखिए आपके कमेंट्स में रहा हूँ और मैं देख रहा हूं कि यू you नो know, कोई कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोल रहे हैं तो कोई मेरे साथ नो you know, मैं जो यहां पर कह रहा हूं वो टाइप कर रहे हैं दैट्स वंडरफुल गाइज यू नो बिकॉज देखिए आपके माइंड में ये सारी बातें रजिस्टर करना जरूरी है क्योंकि मैं तो हर दिन 20 मिनट कुछ ना कुछ नई बातें बता रहा हूँ सब कुछ अगर आपको याद रखना है तो उसे कमेंट में लिखते जाइए सत्यम अग्री लिख रहे अमिता अग्री लिख रहे नरेंद्र जी लिख रहे हैं जीतू ने अगरी लिखा है कामिनी अगरी लिख रहे है संदीप लक्ष्मी सुप्रिया बजरंग क्या बात है बहुत ही अच्छे है दोस्तों यहाँ पर आपको इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है क्योंकि आज की सभी अच्छी बातों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दे अब देखिए आपको मैं एक बहुत ही सुंदर किस्सा आज बताना चाहता हूं आपको पता है जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तब यू you नो know, शिशुपाल वहां पर आते हैं और शिशुपाल वहां पर आकर के वो राजसूय यज्ञ को एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं और भगवान उन्हें वार्निंग देते हैं उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो उन्हें सौ गलतियों तक माफ करने का वचन दिया हुआ था लेकिन शिशुपाल जो थे वो उस गलतियों को क्रॉस कर दिए मतलब कि अब एक ऐसा वक्त आ चुका था कि उनको दंड देना जरूरी हो रहा था तब दोस्तों भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और उन्हें दंड दिया लेकिन अब देखिए पर मजा फ्रेंड्स जब सेशुपाल का वध हुआ जब सुदर्शन चक्र वापस आया तब कृष्ण की उंगली पर दोस्तों जब वो गायब हुआ तो एक छोटा सा कट और एक ड्रॉप लड़का जब वहां से खून बह रहा था तब सभी देख रहे हैं सभी हैरान परेशान कि उनकी नजर के सामने क्या हो गया लेकिन वहां पर वो खून बहता हुआ देखकर करके, करके, उंगली पर लगाते हैं वो खून को रोकने के लिए तब एज यूजुअल कृष्ण के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान और वो जब वो खून को रोक लिया वो कपड़ा बांध दिया तब कृष्ण कहते हैं कि बहन तूने मुझे जो कपड़ा दिया है जब इसका सही वक्त आएगा तब मैं तुझे इसे वापस लौटाऊंगा अब दोस्तों मजा देखिए। द्रौपदी को नहीं पता था कि भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है। द्रौपदी को द्रौपदी वस्त्र हरण के बारे में कोई एहसास नहीं था लेकिन भगवान ने जब ये कह दिया कि भाई तूने मुझे जो कपड़ा दिया है जब इसका सही वक्त आएगा तब मैं उसे वापस लौटाऊंगा दोस्तों वहीं पर एक नींव डाली गई अब देखिए मजा द्रौपदी जब वस्त्र हरण हुआ और सभी से मदद मांग रहे हैं तब हम सब जानते हैं कि कृष्ण ने आकर के उनकी मदद कर दी वस्त्र दिया मगर आपको पता है द्रौपदी ने कभी भगवान के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ था मतलब कि ये जो छोटा सा कपड़ा लगाया था वो जो डिपोजिट किया था इसीलिए एक वक्त जब को बड़ी मदद की जरूरत थी बड़ी क्रेडिट या लोन की जरूरत थी तब भगवान का सपोर्ट उनको मिल गया मैं आपसे पूछता हूं क्या आपने अपने भगवान अपने ईश्वर के बैंक अकाउंट में डिपोजिट किया है दोस्तों कमेंट में मुझे बताइए कमेंट में लिखिए कि क्या आपने वहां पर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा डिपॉजिट किया है या नहीं किया है क्योंकि देखिए लाइफ कब कब कोई प्रॉब्लम आए परिस्थितियां मुश्किल हो जाए हम नहीं जानते हैं और वहां पर डिपॉजिट करना जरूरी है तो चलिए आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप भगवान के बैंक अकाउंट में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं क्या आप सीखना चाहेंगे कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई भी काम करते हैं और उसका अगर डायरेक्ट आपको फायदा मिल जाए जैसे कि डायरेक्ट पैसा मिल जाए या डायरेक्ट कोई आपको रिवॉर्ड मिल जाए ठीक है तो वो पैसा जो है वो फिजिकल मनी है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दूसरे टाइप का पैसा पता है कैसा होता है वो है दोस्तों मेंटल मनी या स्पिरिचुअल मनी वो पैसा आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है मतलब कि जब भी आप कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं किसी का भला करते हैं किसी के लिए कुछ करते हैं और वो इंसान रिटर्न में आपको डायरेक्ट जब पैसा ना दे रहा हो जब वो रिटर्न में डायरेक्ट आपको कुछ रिवॉर्ड ना दे सके अवॉर्ड ना दे सके तब वो आपके भगवान के आपके नेचर के बैंक अकाउंट में डिपोजिट हो जाता है और जब जरूरत पड़ती है तब वो मल्टीप्लाई हो करके आपको वापस मिल पाता है और इसीलिए दोस्तों कभी भी किसी की मदद करने की अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसे कभी ना छोड़िएगा मैंने हमेशा से देखा है कि सभी परिस्थितियों ने मुझे साथ दिया है मैंने हमेशा से देखा है कि जब भी मेरी लाइफ में कोई चैलेंजेस कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसमें से मुझे सामने से चलकर रास्ता मिला है और उसकी वजह सिर्फ इतनी है क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर मैं वक्त के साथ डिपोजिट कर रहा हूं अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा बच्चा जब एक बॉल के साथ खेल रहा है ठीक है तो वो बॉल को जब दीवार की ओर फेंकता है मुझे बताइए कि अगर वो धीरे से फेंके तो क्या होगा वो बॉल टकराकर शायद वापस ना आए लेकिन अगर वो जोर से फेंके तो क्या होगा जब वो जोर से फेंकता है तो वो जोर से टकराकर उतनी ही तेजी से वापस आता है बस एग्जैक्टली exactly वैसे अब देखिए जब आप कुदरत को एक बीज देते हैं तो कुदरत रिटर्न में आपको हजार बीज दे रही है तो आपको भी वही करना है अपने आप से सवाल पूछिए कि आप कहां पर किसी को कुछ दे सकते हैं कहां पर किसी के साथ कुछ बांट सकते हैं दोस्तों आप जितना खुशी से जितना आनंद से और जितना फोर्स से पॉजिटिवली देंगे उतना ही वो मल्टीप्लाई होकर वापस आने वाला है काफी सारे लोग दोस्तों सिटी में जीते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए कम पड़ेगा मैं किसी को क्यों दू दूसरों के बारे में क्यों सोचू Friends, आपको यही समझना है कि आप अपने ईश्वर को दे रहे हैं और जब आप सामने अपने ईश्वर को दे रहे हैं तो वो आज नहीं तो कल मल्टीप्लाई होकर वापस आने ही वाला है तो देने में कभी संकोच ना कीजिए दोस्तों मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि जब ये प्रोग्राम मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ तो देखिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सुबह उठ करके आपके साथ ये सारी बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही डायरेक्टली यहाँ पर कोई फीस या कोई टिकट ऐसा कुछ भी नहीं है मगर मैं ये क्यों कर रहा हूँ हर दिन क्योंकि मैंने जाना कि ये लॉकडाउन के बाद कहीं किसी ने नौकरियां खोई है किसी को पैसों की तकलीफ आ रही है किसी को हेल्थ के चैलेंजेस किसी का बिजनेस डाउन हो चुका है किसी का पैसा कहीं अटक चुका है फंस चुका है तो मैंने सोचा कि अगर हर सुबह 20 मिनट भी मैं लोगों के सामने आ जाऊं और उससे अगर किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उतनी एफर्ट मैं दे सकता हूँ एंड फ्रेंड्स आपको पता है इतनी सुबह मुझे अपने ऑफिस को अपनी टीम को भी एक्टिव कर देना पड़ता है कि तब जाकर के ये प्रोग्राम मैं आप तक पहुंचा पाता हूँ मगर हम सभी का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हम आपके साथ कुछ बांटें जिससे अल्टीमेटली हम कुछ पॉजिटिव कर्मों के द्वारा वहां पर जो हमारा बैंक अकाउंट है उसमें कोई डिपॉजिट आ सके क्योंकि आप लोगों के जब आशीर्वाद हमें मिलते हैं आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है आप यहाँ पर जैसे दीपक जी ने ब्लेसिंग्स लिखा हुआ है तो आप लोग जब ये पॉजिटिव चीजें लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिपोजिट्स हमें मिल रही है मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जब आप शेयर करते इस वीडियो को तो वो हमारी ब्लेसिंग्स के बराबर है जब आप यू नो मे बी कोई स्टार्स देते हैं हमें फेसबुक में वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स के बराबर है आप कमेंट करते हैं वो ब्लेसिंग के बराबर है आप दिन के दौरान इस वीडियो को किसी को दिखा रहे हैं कि देखिए ये कृष्ण कथा सुनिए या व्हाट्सएप में किसी के साथ शेयर कर रहे हैं वो हमारे ब्लेसिंग्स के बराबर है जब आप जय श्री कृष्ण लिखते हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स के बराबर है फ्रेंड्स सच कहूं, आप सभी के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं जिससे आपके लाइफ में जो भी आपके परिवार में पॉजिटिविटी आ रही है वो सारा हमारे लिए ब्लेसिंग्स है बस मैं आपसे कहता हूं जैसे द्रौपदी ने डिपोजिट किया आप भी कीजिए दोस्तों मुझे याद है जब पिछले साल से हमने एक सुंदर सा काम करना शुरू किया था जब हर साल तीन लाख जरूरतमंद लोगों तक हम खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे थे पिछले साल हमने एक और नया एक्टिविटी शुरू किया मनोबल नाम के एक प्रोजेक्ट पर हमने काम किया जब कुछ बच्चों के हाथ या पैर नहीं हो और उन्हें हम एजुकेट कर रहे हैं या फिर अब मैं कल की ही बात करूं कल मैं एक और नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काम करना शुरू किया और वो है प्रोजेक्ट लाइफ कि जहां पर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम हो रहा है ब्लड डोनेशन के ऊपर काम हो रहा है बहुत सारी जिंदगियों को बचाया जा रहा है मतलब कि अभी तक दोस्तों नब्बे से ज्यादा स्कूलों को गवर्नमेंट के पास से लेकर के रिनोवेट किया गया है एंड अब हमने डिसाइड किया है कि उसके साथ मिल करके और भी बहुत सारे स्कूल्स को रिनोवेट किया जाए कि जो अंडर विलेज जहां पर दोस्तों बच्चों के पास यू you नो know, पढ़ाई के लिए या फिर बेसिक जो नीड्स है उसकी जो यू नो जरूरतें पूरी नहीं हो रही है हमारी कोशिश है कि वहां पर हम पहुंचे एंड प्रोजेक्ट लाइफ के साथ मिलकर के हम अब कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों तक पहुंच सके बट अल्टीमेटली मेरा कहने का भाव ये सारे एग्जांपल से बस इतना ही है दोस्तों कि देखिए द्रौपदी ने भगवान के साथ अपना अच्छा रिश्ता बनाया तो उसे बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई बस मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप भी दोस्तों डिपॉज़िट कीजिए आपको भी जब मौका मिलता है तो अच्छे कर्म कीजिए लोगों की मदद कीजिए क्योंकि वो मल्टीप्लाई होकर वापस आने ही वाला है इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा अगर आप कुछ भी रिसीव करना चाहते हैं तो पहले आपको देना पड़ता है मी रिपीट आप कभी भी कुछ भी रिसीव करना चाहते हैं तो आपको पहले देना पड़ता है इट इज Power of giving and then receiving. All right, friends. मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल सवेरे एक और बार मैं लाइव हो जाऊंगा जब मैं आपके साथ और भी कुछ नई बातों को शेयर करूंगा लेकिन मैं आपको वापस याद करवा दूं कि इस सैटरडे संडे मेरा सिग्नेचर प्रोग्राम आ रहा है जो मेरा आइडेंटिटी है जो मेरा सबसे पावरफुल इवेंट है उसे मैं कहता हूँ चेंज योर लाइफ जो इस सैटरडे संडे को होगा वो पेड़ प्रोग्राम रहता है मगर जो पेड़ प्रोग्राम कभी दस हजार हजार की फीस में होता था लॉकडाउन से पहले वो सिर्फ पंद्रह में आप घर बैठे बैठे पूरे

और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं आपको पता है ये लोग सिर्फ इस अच्छे काम को सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है कि मतलब कि हम उनका कोई मार्केटिंग कर ले या उनका नाम तक ले ले मगर कहीं पर जब उन्होंने सपोर्ट किया है तो मेरा फर्ज बनता है कि वो नामों को मैं आप तक पहुँचाऊँ दोस्तों बिकॉज वो सारे नाम गिविंग में बिलीव करते हैं सो आई एम थैंकफुल टू ऑल दिस वंडरफुल नेम केस पकौड़ी श्री जी हनी रोटरी क्लब ऑफ जलगांव वेस्ट वेस्ट्री गुर्जर सुतार विश्वकर्मा बाग मुंबई लायंस क्लब जलगांव सेंट्रल श्री महेश नवयक मंडल मंडल न इचलकरण जी श्री गुर्जर सुतार ज्ञाती राजकोट रंका ज्वेलर्स पुणे वीटीपी ग्रुप गार्गी क्रिएशन कोलकाता भखीरथ बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स जनता शॉपे जलगांव राधे राधे चंद्रपुर से तो ये सारे नाम आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल इवन टू ऑल ऑफ यू के जो आप रेगुलरली हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए फॉलो कर लीजिए कल सुबह साढ़े आठ बजे वापस एक और बार मिलेंगे जय श्री कृष्ण